तुसी देख रहे हो कि मेरे पिछे इस वक्त एक बहुत बड़ा कट्ठ हैगा कच्चे अध्यापकों का। अज पूरे पंजाब दे विचों ये कट्ठे हुए ने, हज़ारां की गिणती दे विच ये कट्ठ हैगा। पिछले कई हफ्तों तो यह लोग पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बाहर जो बिल्डिंग है ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की उत्थे धरना ला के बैठे ने, परंतु इन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नी गईआं। इन्हां दीआं कुछ मंगां सी कि इन्हां नूं जो रैगूलर पेरोल दे उत्ते इन्हां नूं भर्ती किया जाए, इन्हां दीआं जो तनखाहां हैगीआं ने उह वी रैगूलर होण, परंतु पंजाब सरकार वल्लों लगभग 15 साल तो यह लोग संघर्ष कर रहे हैं, इन्हां दी कोई भी मंग नहीं मन्नी गई। तो अज तुसीं देख सकते हो एक बहुत बड़ा भारी इकट्ठ है जिहड़ा वह देखने मिल रहा है। तो ये लोग अपनियां मंगां दे हक दे विच इत्थों प्रोटेस्ट करके जा रहे हैं। चंडीगढ़ जाना चाहते हैं यह लोग ताकि यह एक मेमोरेंडम है जिहड़ा वह कैप्टन अमरिंदर नूं दे सकन। तो ये लोग ने जिहड़े पिछले 15 तो 18 साल इन्हां नूं हो चुके ने नौकरी करदियां नूं, ते 6000 जिहड़ी इन्हां दी सैलरी है वह 6000 तो 10000 दे विच विच है। सो एक बहुत वड्डी इन्हां पढ़े लिखे लोगों के नाल सरकार वल्लों जाति की जा रही है कि यह लोग ने जिहड़े यह इन्हां नूं पेरोल नहीं दिता जा रहा, इन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नियां जा रहीआं। सो कई हफ्ते तो इंतजार करन तो बाद यह लोग हुण सरकार तो अपनियां मंगां मनवाउणा चाहुंदे ने अपने जोर दे हक दे नाल। सो असीं गल्लबात करदे आं इन्हां नाल। बाई जी की मंगां हैगीआं आपणीआं? मेहरबानी नाल मंगा जी, रैगूलर दी कच्चे अध्यापक यूनियन पंजाब, मैं अजमेर औलख, साड़ी 21वें दिन से धरना चली जाता। साड़ी मंग है रैगूलर दी, पंजाब सरकार रैगूलर नहीं कर रही। 18 साल तो असी कच्चा संताप हंडा रहे हैं। बहुत मीटिंगा हुई, बहुत असी लंबा समा 5000 से तनखाह से काम किया। असी अज सीएम हाउस ने, क्योंकि इन्होंने वादा किया जी साढ़े नाल मुख्यमंत्री पंजाब ने कि भी असी तो आउंदे ही पहली कैबिनेट के पक्के करांगे, अजे तक पक्के नहीं किया। असी हुण सीएम हाउस नूं वध रहे हैं। ते हुण तुहानूं तनखाह दा स्केल की दे रहे ने? 5000 दे रहे हैं जी, 5000 वधो वध। असी पिछले 18 सालों तो भुख ते कट रहे हैं। असी हुण सीएम साहब नूं उन्हां दा वादा याद कराउण लई सीएम हाउस चले हैं। नैक्सट कोर्स ऑफ एक्शन की होएगा तुहाडा जे सरकार नहीं मंनदी? सरकार मनूगी, मनूगी। हज़ारों की तादाद के पूरे पंजाब के अध्यापक आए हुए हैं। जे सरकार ना मनूगी अज इत्थे पता नहीं कितना नुकसान हो जाऊगा। तो हुण तुहाडा इरादा की है, किधर जा रहे हो तुसीं? असीं सीएम हाउस नूं जा रहे हैं जी, सीएम हाउस पंजाब। ओके, सो ये लोग जिहड़े हैगे ने अपनियां मंगां दे हक दे विच इस वक्त सीएम हाउस जा रहे हैं। सीएम हाउस नूं घेरा पाउण जा रहे हैं क्योंकि पंजाब सरकार इन्हां दीआं मंगां नहीं मन रही। पिछले लगभग 15 साल तो यह लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये पढ़ी लिखी यह एक श्रेणी हैगी है कच्चे अध्यापकों की, जिहड़ी कि अपने हकों वास्ते सरकार नाल लड़ाई लड़ रही है। 6000 5000 दा इन्हां दा स्केल हैगा। सो असी उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हां दा स्टेटस होवेगा, पैसे वाइज इन्हां दी आर्थिक हालत की होवेगी। सो ये लोग उन्हां दे विच सुधार करन वास्ते रैगूलर पे मंग रहे हैं, रैगूलर यह जॉब मंग रहे हैं। तो अज इन्हां दा जो अगे नैक्सट कोर्स ऑफ एक्शन हैगा वह हैगा कैप्टन अमरिंदर दे घर दा घिराओ करना। कैमरामैन सोनी दे नाल सुशील गर्चा, दैनिक सवेरा मोहाली। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।